Hello everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. We are students of class 9. Today we are going to do lesson number 2, The Sound of Music, part 1. Eveline Glennie listens to music without hearing it, by Deborah Cawley. So here we go. About the author, Deborah Cawley. Let's have a look at introduction of the lesson. This is a lesson giving inspiration to those who are physically handicapped. ये lesson उन लोगों के लिए एक inspiration है जो physically handicapped होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं. In this lesson, the author has shown how the handicapped persons have to face troubles and difficulties in their lives. इस lesson में author ने दिखाया है कि किस तरह से जो handicapped लोग होते हैं उन्हें लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स और डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ देम मेक अ कॉम्प्रोमाइज विद देयर डेस्टिनी, और ज्यादातर लोग अपनी डेस्टिनी से, अपनी किस्मत से एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उस हैंडीकैप्डनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे बाहर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते. दे एक्सेप्ट देयर हैंडीकैप्डनेस एंड टेक टू बेगिंग और सम अदर लॉलेस एक्टिविटी. वो इस हैंडीकैप्डनेस के कारण खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि शायद वो कुछ कर नहीं सकते, और इसीलिए वो सिर्फ बेगिंग, भीख मांगने या और इसी तरह की लॉलेस एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल कर लेते हैं. बट सम पर्संस बीइंग हैंडीकैप्ड डज नॉट गिव अप. लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं. They struggle hard, वो कड़ी मेहनत करते हैं. They fight it hard and rise themselves to a high position in life. वो अपनी इस शारीरिक विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी हिम्मत बनाते हैं, ताकत बनाते हैं और लड़ते हैं और लाइफ में ऊंची पोजिशंस पर अपने आप को लेकर पहुंचते हैं. To them, handicappedness is not a curse but a boon. ऐसे लोगों के लिए उनकी handicappedness, उनकी विकलांगता एक श्राप नहीं, एक वरदान होती है. A small girl of 11, Eveline Glennie, gets her hearing capacity totally killed. एक छोटी सी लड़की, 11 साल की एक छोटी सी लड़की Eveline Glennie, सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी हियरिंग कैपेसिटी खो देती है, उसे सुनना बंद हो जाता है. But she does not give up. लेकिन वो हार नहीं मानती है. She struggles hard and learns the music. वो बहुत मेहनत करती है और म्यूजिक सीखती है. She becomes the most sensational music star of the world. और इतनी मेहनत करती है कि बहरी होने के बावजूद भी वो दुनिया की एक बहुत बड़ी sensational music star बन जाती है. She becomes a figure of inspiration for the disabled. और जो disabled लोग हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी inspiration बनती है. Now let's start reading the text. Rush hour. Crowds jostle for position on the underground train platform. जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो सीन जो है वो कुछ इस तरह का है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा क्राउड है और सब लोग अपनी सीट लेने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी सी लड़की जो है तो 17 years की, लेकिन थोड़ी छोटी लग रही है, 17 years से कम थी लग रही है. She is very nervous, वो बहुत घबराई हुई है, but still she is excited, लेकिन बहुत उत्साहित है क्योंकि वो ट्रेन के आने की vibrations को सुन पा रही है. And she is very excited to board the train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Royal Academy of Music in London. This is a very prestigious institution. और उस लड़की का ये पहला दिन है वहां पर, और किसी भी एक सपने ऊंची उड़ान भरने वाले एक टीनेजर के लिए जो कि एक छोटे से कंट्री स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो म्यूजिक अकेडमी ऑफ लंदन में पहुंच चुकी है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly dumb. एक छोटी सी कंट्री से एक लंदन जैसे बड़े सिटी में पहुंचना
बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस म्यूजिशियन के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, वो ये था कि वो गंभीर रूप से बहरी थी, यानी कि वो कंप्लीटली डेफ थी। एवेलाइन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलाइन ग्लेनी की जो हियरिंग लॉस था वो ग्रेजुअल था, शी वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ, वो जन्म से बहरी नहीं थी, धीरे धीरे उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाती है। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old एवेलाइन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एवेलाइन 8 years की थी और पियानो बजा रही थी तो उसकी मदर ने कुछ नोटिस किया कि उसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसकी मदर ने उसका नाम पुकारा लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, उसने कुछ सुना नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडन्ट हर्ड, सेज आइसाबेल ग्लेन। आइसाबेल ग्लेने, एवेलाइन ग्लेने की मदर, उसको रियलाइज हुआ कि शायद एवेलाइन ने कुछ सुना नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए एवेलाइन ने अपनी डेफनेस को अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से छुपा लिया, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाया। बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। जब वो 11 इयर्स की हुई तो उसके मार्क्स बहुत कम आने लगे और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब जाकर ये डिस्कवर हुआ कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, एक जो कि बहुत धीरे धीरे हुआ था। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 8 years की एज में ये लॉस ऑफ हियरिंग बिगिन हुआ एंड 11 years तक आते आते नर्व डैमेज के कारण उसकी हियरिंग कैपेसिटी टोटली लॉस्ट हो गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उनको ये एडवाइस किया गया हेडमिस्ट्रेस के द्वारा कि उसे हियरिंग एड्स पहनाई जानी चाहिए और उसको स्कूल फॉर डेफ में एडमिट करा देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलाइन। एवेलाइन कहती है अचानक सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलाइन हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वॉज डिटर्मिन्ड कि उसने अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और वो अलग से डेफ स्कूल में नहीं जाएगी, और यहां तक कि वो अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को भी परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा। ज़ाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देयर आर सम स्ट्रिप्स ऑन इट एंड देयर इज अ ड्रमस्टिक व्हिच यू प्ले ऑन इट। उसे लगा कि उससे भी, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर इज अ ज़ाइलोफोन इन द पिक्चर, तो उसे लगा कि उसे भी ज़ाइलोफोन प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब ज्यादातर जो टीचर्स थे वो हमेशा उसे डिस्करेज करते थे दैट यू आर डेफ, यू कैनॉट प्ले म्यूजिक, यू कैनॉट बिकम अ म्यूजिशियन, यू कैनॉट परस्यू योर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन उनके स्कूल में ही एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स। नाउ हु इज अ परक्यूशनिस्ट? परक्यूशनिस्ट वो होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, राइट? तो रॉन फॉब्स ने एवेलाइन ग्लेनी के पोटेंशियल को पहचाना और उसे एनकरेज किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। रॉन फॉब्स ने दो ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. और उन्होंने एवेलाइन ग्लेनी को एनकरेज किया और उसे कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता अपनी ईयर्स से, डोंट माइंड, लेकिन तुम इन म्यूजिकल नोट्स को किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अपनी बाकी सेंसेस से सुनने की कोशिश करो। Says Eveline, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up
एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर एवेलिन कहती है कि सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ म्यूजिकल नोट्स मुझे अपनी वेस्ट अप से सुनाई दे रहे हैं और जो लोअर नोट्स हैं म्यूजिकल नोट्स हैं वो मुझे अपनी वेस्ट डाउन कमर के नीचे से मुझे फील हो रहे हैं। सो शी स्टार्टेड फीलिंग द म्यूजिक थ्रू हर स्किन थ्रू हर बॉडी एंड नॉट थ्रू हर ईयर्स। Forbes repeated the exercise and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने यही exercise लगातार repeat की और जल्दी ही Eveline ने ये discover किया कि वो अलग अलग तरह के notes को अलग अलग body parts से सुन सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. फिर एवेलिन कहती है कि मैंने कानों की बजाय अपने बाकी बॉडी पार्ट से अपने माइंड से अलग अलग साउंड्स और अलग अलग वाइब्रेशंस को सुनना शुरू किया और वो मैंने सीख लिया। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी क्या था? दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत जिससे कि वो अपने म्यूजिक के पैशन को परस्यू कर पाए। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और इसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रा की एक यूथ टीम को ज्वाइन कर लिया जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके की एक टीम थी। एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर करियर। और जब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाने वाली है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। व्हेन शी वाज 17 शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन फॉर एन ऑडिशन और उस ऑडिशन में उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। आज तक जितने भी ऑडिशंस हुए थे उसमें उसके हाईएस्ट स्कोर रहे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ प्ले किया करती थी। लाइक शी वाज प्लेइंग वन इंस्ट्रूमेंट द अदर बीइंग प्लेइंग द अदर इंस्ट्रूमेंट एंड समबडी वाज सिंगिंग एंड लाइक दैट। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने सोलो परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए। वो सोलो ही परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। व्हेन शी वाज 17 शी जॉइंड द म्यूजिक अकेडमी ऑफ लंदन एंड वहां पर उसने 3 years का कोर्स किया अपना म्यूजिक का। और वो कोर्स करते करते एंड तक उसने बहुत सारे टॉप मोस्ट अवार्ड्स जो थे वो ग्रैब कर चुकी थी। And for all this, Eveline won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब के लिए वो किसी तरह की heroic achievement को नहीं मानती है। उसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। If you work hard and know where you are going, you will get there. उसे ऐसा लगता था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो कड़ी मेहनत करते हो और आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट देयर। आप उस मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। एंड एंड ऑफ द डे कहाँ पहुंची वो? राइट ऑन द टॉप The world most sought after multi-percussionist, दुनिया की सबसे बड़ी multi-percussionist बन गई वो, जो कि लगभग 1000 से भी ज्यादा instruments को play कर सकती थी and with a hectic international schedule, और वो हर जगह अपनी performances देती थी। एक country से दूसरी country में जाकर अपनी performances दिया करती थी। एक international star बन चुकी। It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without cheering. अब Eveline का एक इंटरव्यू हो रहा है और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उसके बारे में कुछ कह रहा है। What he is saying कि Eveline को इतना effortlessly काम करते देखना बिना किसी effort के बहुत अजीब सा लगता था, questionable सा लगता था।
In our two-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. हमारे दो घंटे के इंटरव्यू में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. बस हंसते हुए उसने यही कहा कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है बहुत ज्यादा घनी, क्योंकि वो उनकी लिप मूवमेंट नहीं देख पाती है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उसे तब होती है बात को समझने में, अदरवाइज उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिंट. फिर आगे एवलिन कहती है कि सिर्फ लिप मूवमेंट देखकर ही वो नहीं पहचानती कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है. इनफैक्ट पूरा फेस, आपका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन, स्पेशली योर आईज ऑल्सो स्पीक, यू नो. तो वो कहती है कि योर आईज, योर फेस, योर लिप्स, एवरीथिंग, इन सभी चीजों से वो अंदाजा लगा लेती थी कि कोई क्या कह रहा है. एंड शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिंट. और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, लेकिन थोड़े से स्कॉटिश लिल्ट के साथ, स्कॉटिश एक्सेंट में वो बहुत फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलती है. माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, शी सेज. और वो कहती है कि मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि 11 इयर्स की एज तक तो मैं सुन पाती थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन इस बात से हम ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि चलो स्कॉटिश लैंग्वेज उसे आती है, इंग्लिश भी उसने सीख ली क्योंकि वो लंदन में बहुत टाइम से रह रही थी, लेकिन उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज पर अपनी कमांड किस तरह से की. सो दैट वाज आल्सो फिनोमिनल. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. जहां तक म्यूजिक की बात है, वो कहती है कि म्यूजिक मेरे हर बॉडी पार्ट से मेरे अंदर जाता है. सिर्फ कानों से ही नहीं, मेरे हर बॉडी पार्ट से मैं म्यूजिक को महसूस कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ. इट टिंगल्स इन द स्किन, इन द चीक बोन्स, इवन माई हेयर. मुझे म्यूजिक मेरी स्किन से, मेरे चीक बोन से, यहां तक कि मेरे हेयर से भी मुझे महसूस होता. व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone play करती है, तो वो कहती है कि जब मैं उन sticks के साथ xylophone play करती हूँ, तो इन sticks के थ्रू मेरी fingers में वो music आ जाता है, sound आ जाती है, and then I can sense it. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और जब वो drums को beat करती है, अब drums की जो sound है, रेजोनेंस क्या है, कोई साउंड स्ट्राइक बैक करके आपको इको, उसकी इको सुनाई देती है, दैट इज रेजोनेंस. तो जब वो इतने बड़े बड़े ड्रम्स को प्ले करती है, तो उसकी जो गूंज है, वो गूंज उसकी बॉडी में एंटर करती है, एंड देन शी कैन सेंस द रिदम, द म्यूजिक ऑफ द ड्रम्स ऑल्सो. और अ वुडन प्लेटफॉर्म, शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. आगे एवलाइन बताती है कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है, तो वो अक्सर अपने शूज जो है वो रिमूव कर देती है, ताकि वुडन प्लेटफॉर्म से जो वाइब्रेशंस हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएं, नंगे पांव उसकी बॉडी में एंटर कर जाएं, और फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स, उसके बेयर फीट से उससे लेग्स के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाएं, एंड देन शी कैन सेंस इट थ्रू हर माइंड. Not surprisingly, Eveline delights her audience. ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि Eveline अपने audience को बहुत ज़्यादा entertain किया करती थी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसे Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award से सम्मानित किया गया. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. James Blades, एक और master percussionist है, उनका ये कहना है कि भगवान ने शायद Eveline Glennie की hearing
कैपेसिटी ले ली हो, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, उसे कोई एक सिक्स्थ सेंस दी है। और ऐसा माना जाता है कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके पास एक स्पेशल यू नो सेंस भगवान की तरफ से दी जाती है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, हम कानों से सुनते हैं वो अपनी बॉडी से सुनती है, अपने बॉडी पार्ट से सुनती है। सो दिस इज सो एक्साइटिंग, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम जितना सुन पाते हैं अपने कानों से वो कहीं ज्यादा बिना कानों की हियरिंग कैपेसिटी के सुन पाती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल, और शायद इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती है। Eveline confesses that she is something of a workaholic. Eveline confess करती है, मानती है कि शायद उसे काम का नशा है। Workaholic means जिसे काम का नशा होता है। I have just got to work. वो कहती है कि बस मुझे तो काम करना है। Often harder than classical musicians. We very well know कि जो classical musicians होते हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एवेलाइन ग्लेनी उनसे भी ज्यादा मेहनत किया करती थी, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और इसीलिए शायद जो उसे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलते थे वो भी ढेर सारे मिला करते थे। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवेलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजंस एंड हॉस्पिटल्स। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपनी रेगुलर परफॉर्मेंसेस, इवेंट्स के अलावा एवेलाइन प्रिजंस में और हॉस्पिटल्स में, जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स किया करती थी टू हेल्प द पेशेंट्स एंड द प्रिजनर्स, बिकॉज म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ थेरेपी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो यंग म्यूजिशियंस हुआ करते थे उनको पढ़ाने में, उनको म्यूजिक सिखाने में भी उसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हुआ करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज She is a shining inspiration for deaf children. Beethoven Fund for Deaf Children की तरफ से एन रिचलिन का कहना है कि she is a shining inspiration for deaf children. Eveline Glen deaf children के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक inspiration है, एक प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they can't go. और उन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना जा सकते हो। Eveline Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Eveline Glennie ने अपनी उम्र के लोगों से लगभग दुगनी चीजें हासिल कर चुकी है। वो इतनी चीजें accomplish कर चुकी हैं जो उसकी एज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और वो percussion means वाद्य यंत्रों का बजाना, हम ज्यादातर डांसिंग और सिंगिंग को ही फ्रंट स्टेज पर मानते हैं, और जो बैकग्राउंड प्लेबैक म्यूजिशियंस होते हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जनरली। लेकिन Eveline Glennie was the first person who brought percussion to the front of the orchestra, कि आगे आकर उसको भी percussion को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्केस्ट्रा में मिलने लगा। She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है, जो कि हैंडीकैप्ड हैं, और जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उसने हजारों लाखों लोगों को बहुत सा प्लेजर भी दिया। व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक यू फील वेरी रिलीव्ड, यू फील वेरी रिलैक्स्ड। तो आपने देखा किस तरह से अगर हम चाहें, अगर हम डिटर्मिंड हो, हार्ड वर्क करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमारी हैंडीकैप्डनेस हमारी प्रोग्रेस के बीच में नहीं आ सकती। सो लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट वाज रॉन्ग विद एवेलाइन? एवेलाइन को क्या प्रॉब्लम थी? A. She was blind. B. She was deaf. C. She was lame. D.
She was mentally weak. So what is the answer? Right. B. She was deaf. Eveline learned music from. Eveline ne music kahan se seekha? A. Royal Academy of Music in London. Royal Academy of Music in Paris. Royal Academy of Music in Delhi. Royal Academy of Music in New York. And the right answer is? Yes. A. Royal Academy of Music in London. How did Eveline Glennie become deaf? Eveline Glennie behri kaise ho gayi? A. She was deaf by birth. B. In an accident. C. Attack of chickenpox. Or D. Through a gradual process. And the answer is D. Through a gradual process. Next question. At what age did she become fully deaf? Kitni umr mein wo puri tarah se deaf ho gayi? A. 5 years. B. 8 years. C. 10 years. Or D. 11 years. And the answer is D. 11 years. Next question. What did Eveline's parents conceal about her from her teachers and friends? Eveline ke parents ne uske teachers aur uske friends se kya cheez chupai? A. Her deafness. B. Her mental retardness. C. Her speaking problem. Or D. All of these. And the right answer is A. Her deafness. Next question. What was Eveline not going to give up? Eveline kis baat ke liye haar nahi maanne wali thi? A. Her struggle with deafness. B. Her hope for becoming a great musician. C. Her ambition in life. Or D. All of the above. So I think the answer is D. All of the above. What did she notice a girl playing one day? Ek din Eveline ne ek ladki ko kya bajate hue dekha? A. Violin. B. Tabla. C. Guitar. Or D. Xylophone. And the right answer is D. Xylophone. Who was Ron Fobbs? Ron Fobbs kaun tha? A. Eveline's father. B. A doctor. C. Eveline's friend. Or D. The music teacher of her school. And the right answer is? Yes, it's D. The music teacher of her school. What did Ron Fobbs ask Eveline to hear the music with? Ron Fobbs ne Eveline ko kaise music sunne ko kaha? A. Through ears. B. Whole body. C. Hearing aids. Or D. Eyes. And the right answer is B. Whole body. Eveline was a dash girl. Eveline kahan ki rehne wali ladki thi? A. Scottish. B. American. C. British. Or D. Russian. And the answer is A. Scottish. Which award was given to Eveline in 1991 mein Eveline ko kaun sa award mila? A. Soloist of the year. B. Painter of the year. C. Actress of the year. Or D. Teacher of the year. And the answer is A. Soloist of the year. When did Eveline get the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award? A. In 1990. B. In 1991. C. In 1992. Or D. 1993. And the right answer is B. 1991. Eveline performs
on a wooden platform with bare feet so that Evelyn wooden platform पर नंगे पांव perform करती थी. So that A, the vibrations may pass through her. B, she may feel easy feet and up her legs. C, she may remain undamaged. Or D, she considered the stage pious. And the right answer is A, the vibrations may pass through her. Now let's do the essay type question which will come in your exam for 5 marks or 7 marks. How does Evelyn hear music? Evelyn music kaise sunti hai? And the answer is, Evelyn is a totally deaf child. Evelyn puri tarah se ek behri ladki hai. Her listening capacity had total failed when she was 11 years old. Jab wo 11 saal ki thi to uski sunne ki capacity completely khatam ho gayi thi. Mr. Ron Forbes inspired her to pursue her music. रॉन फॉर्ब उसे म्यूजिक को परस्यू करने के लिए एनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन म्यूजिक थ्रू हर इयर्स बट इन सम अदर वे. वो उसे कहते हैं, ठीक है तुम सुन नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. एवेलाइन वर्क्स हार्ड. एवेलाइन कड़ी मेहनत करती है. शी बिगन टू लिसन म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. और वो अपने बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक को सुनने की कोशिश करती है. शी लिसन्स द हाई टोन ऑफ द ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर टोन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. रॉन फॉर्ब्स उसके लिए दो ड्रम बजाते हैं. वो हायर टोन ऑफ ड्रम की आवाज को अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से से सुन पाती है और लो टोन्स को अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से से सुन पाती है. She says that she has learnt to open her mind and body to sounds and vibrations. वो कहती है कि उसने अपने mind को और अपनी body को sounds और vibrations को सुनने के लिए prepare कर लिया है. She says that music tingles in her skin, her cheekbones and even her hair. वो कहती है कि अब music उसके skin में, उसके चीक बोन्स में और उसके हेयर्स में भी उसकी टिंगलिंग उसे सुनाई देती है. When she plays the xylophone, she senses the music through her fingertips. और जब वो xylophone बजाती है तो xylophone के स्टिक से उसे उसकी fingertips में म्यूजिक सेंस होता है. By leaning against the drums, she feels the echoes of its music. और जब वो ड्रम्स को बजाती है तो उसकी जो साउंड echoing साउंड निकलती है उन ड्रम्स में से, तो वो इकोज उसकी बॉडी में उसको फील होती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी परफॉर्म्स बेयरफुटेड सो दैट म्यूजिक मे रीच टू हर हार्ट थ्रू फीट एंड लेग्स. और वुडन प्लेटफॉर्म पर तो वो बेयरफुटेड यानी नंगे पांव परफॉर्म करती है ताकि उसके पैरों से और फिर उसके लेग्स के थ्रू उसके हार्ट में उसकी आवाज उसे सुनाई दे. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. So this was the lesson. I hope you enjoyed it. Thank you for watching. Stay tuned with me. Till then, bye-bye. Take care.